हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं ट्वेल्थ कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर वन चैप्टर नंबर वन, दैट इज़ मैथमेटिकल लॉजिक का मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो इसके पहले की वीडियो लेक्चर तक हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर लिया था मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 का। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 15 ऑनवर्ड कंटिन्यू करेंगे। सो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक वीडियो जरूर देखना। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 से। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, राइट कन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट। आपको पता होना चाहिए कि कन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव इज पॉसिबल ओनली फॉर द इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट, या उसे बोलते हैं हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट। यानी कि अगर जो स्टेटमेंट दिया है उसमें इफ देन यूज़ किया रहेगा, देन ओनली यू कैन राइट कन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव। तो देखो फर्स्ट सब क्वेश्चन क्या दिया है आपको, यहाँ पर लिखा है इफ 2+5=10 देन 4+10=20। तो यहाँ पे जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू रहेगा या फॉल्स उससे कुछ मतलब नहीं है। इफ़ एंड देन दिया हुआ है तो हम उसका कन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव ईजिली लिख सकते हैं। जो भी स्टेटमेंट आपको दिया है सबसे पहले हम उसे दो सिंपल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे। सो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ स्टेटमेंट पी, आई विल राइट स्टेटमेंट पी आएगा 2+5=10। फिर आपका स्टेटमेंट क्यू आएगा, स्टेटमेंट क्यू आएगा 4+10=20 आएगा। ये दो सिंपल स्टेटमेंट हो गया। उसके बाद हम सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म, ठीक है देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म इज, सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा यहाँ पर दिया है इफ पी देन क्यू है, तो इफ पी देन क्यू मीन्स पी इम्प्लाइज क्यू आएगा। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या लिखोगे आप, सिंबॉलिक फॉर्म इज पी इम्प्लाइज क्यू। तो सिंबॉलिक फॉर्म पी इम्प्लाइज क्यू आ गया। तो अब हम इसका कन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव लिख सकते हैं। तो कन्वर्स क्या आएगा, देखो कन्वर्स हम लिखेंगे यहाँ पे कन्वर्स ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू इज, इसका कन्वर्स आता है क्यू इम्प्लाइज पी, ठीक है P implies Q का कन्वर्स हो जाएगा Q implies P। बट ये तो सिम्बॉलिक फॉर्म में है, हमें इसे वर्बल फॉर्म में लिखना है। तो Q implies P का मीनिंग होता है इफ़ Q देन P, तो इफ़ Q देन P, तो आप कैसे लिखोगे यहाँ पे, आंसर लिखोगे इफ़ 4+10=20 देन आएगा 2+5=10। सो गिवन स्टेटमेंट का कन्वर्स क्या हो गया, इफ़ 4+10=20 देन 2+5=10, ये तो कन्वर्स हो गया। अब हम लिखेंगे इनवर्स, ठीक है तो मैं देखो इनवर्स लिखता हूँ, सो आई विल राइट हियर इनवर्स ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू कंडीशनल स्टेटमेंट, तो इसका इनवर्स लिखेंगे। तो पी इम्प्लाइज क्यू का इनवर्स हो जाएगा निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू, ठीक है बहुत ही सिंपल है। P implies Q का कन्वर्स लिखना है तो Q implies P कर दोगे, P implies Q का इनवर्स लिखना है तो जस्ट दोनों भी स्टेटमेंट के पहले आपको निगेशन लगा देना है। अब आप इसे वर्बल फॉर्म में लिख दो, तो निगेशन P, इफ़ निगेशन P देन निगेशन Q, इफ़ निगेशन P मतलब स्टेटमेंट P में आपको निगेशन लगाना है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, तो आपका आंसर आएगा इफ़ 2+5=10 है बट यहाँ पे निगेशन दिया है तो नॉट इक्वल टू लिखना पड़ेगा। तो इफ़ 2+5=10 देन यहाँ पर आप लिखोगे निगेशन क्यू, हाँ देन यू विल राइट हियर 4+10=20 दिस वे। तो ये हो गया हमारा इनवर्स ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू, कन्वर्स हो गया इनवर्स हो गया। अब हम कॉन्ट्रापॉजिटिव लिखेंगे, तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्ट्रापॉजिटिव, कॉन्ट्रापॉजिटिव हाँ कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ गिवन कंडीशनल स्टेटमेंट पी इम्प्लाइज क्यू इज, इसका कॉन्ट्रापॉजिटिव जस्ट इसको आप रिवर्स कर दो, पहले निगेशन क्यू आएगा उसके बाद इम्प्लाइज निगेशन पी आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे निगेशन क्यू इम्प्लाइज देखो आएगा निगेशन पी, ये हो गया कॉन्ट्रापॉजिटिव। अब इसे वर्बल फॉर्म में लिख दो, तो इफ़ निगेशन क्यू देन निगेशन पी, तो हम क्या लिखेंगे इसका आंसर इफ़ निगेशन क्यू, निगेशन क्यू क्या रीड करोगे इफ़ 4+10=20 या इफ़ 4+10=20 देन यहाँ पे लिखोगे निगेशन पी, हाँ दैट मीन्स 2+5 लिखोगे आप, 2+5=10 आएगा। तो ये कॉन्ट्रापॉजिटिव हो गया, बहुत ही सिंपल है। कन्वर्स
पी इम्प्लाइज क्यू का कन्वर्स क्या होगा, क्यू इम्प्लाइज पी। इन्वर्स क्या आएगा, निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू। कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या आएगा, निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी। बहुत ही सिंपल था, हमने इसे सॉल्व कर दिया। नाउ सी, देखो सेकंड सब क्वेश्चन है, राइट कन्वर्स इन्वर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया है, इफ अ मैन इज अ बैचलर देन ही इज हैप्पी। तो ये भी कंडीशनल स्टेटमेंट है, या उसे हम बोलते हैं इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम इसका सिम्बॉलिक फॉर्म लिखेंगे, बट सिम्बॉलिक फॉर्म लिखने के लिए पहले आपको दो सिंपल स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, स्टेटमेंट पी लिखोगे विदाउट लॉजिकल कनेक्टिव, तो स्टेटमेंट पी आएगा अ मैन, यहाँ पे लिखेंगे अ मैन इज बैचलर। ठीक है, अ मैन इज बैचलर लिखेंगे। देन स्टेटमेंट क्यू आएगा आपका, देन के बाद वाला क्या लिखा है, ही इज हैप्पी, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ही इज हैप्पी। ठीक है, ये दो सिंपल स्टेटमेंट हो गया। अब इसका हम सिम्बॉलिक फॉर्म लिखेंगे, तो आप लिखोगे देयर फोर सिम्बॉलिक फॉर्म। ठीक है, देयर फोर सिम्बॉलिक फॉर्म इज, देखिए इसका सिम्बॉलिक फॉर्म क्या आता है, सिम्बॉलिक फॉर्म आएगा इफ पी देन क्यू, है ना, तो सिम्बॉलिक फॉर्म इज पी इम्प्लाइज क्यू। एक बार आपको सिम्बॉलिक फॉर्म मिल गया, उसके बाद आप उसका कन्वर्स इन्वर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिख सकते हो। तो मैं पहले कन्वर्स लिखूंगा, आई विल राइट हियर कन्वर्स ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू इज, क्या हो जाएगा, क्यू इम्प्लाइज पी। तो क्यू इम्प्लाइज पी का मीनिंग होता है इफ क्यू देन पी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इफ ही इज हैप्पी, बट पहले ही से बेटर है आप अ मैन लिख दो। यहाँ पर लिखेंगे इफ़ अ मैन, हाँ यहाँ पर लिखेंगे इफ़ अ मैन इज़ हैप्पी। ठीक है, इफ़ अ मैन इज़ हैप्पी देन, अभी यहाँ पर लिख दो ही इज़ अ बैचलर, ही इज़ अ बैचलर, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, इफ़ अ मैन इज़ हैप्पी देन ही इज़ अ बैचलर, ये तो हो गया कन्वर्स। अब इन्वर्स लिखेंगे हम लोग, सो मैं देखो यहाँ पर लिखता हूँ इन्वर्स, हाँ इन्वर्स ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू इज। इन्वर्स बहुत सिंपल है, जस्ट आपको क्या करना है, दोनों स्टेटमेंट के पहले निगेशन लगा देना है। तो इन्वर्स ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू इज क्या लिखोगे, निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू। अब इसे आप वर्बल फॉर्म में लिख दो, तो निगेशन पी का मतलब होता है इफ नॉट पी देन नॉट क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम इफ, ठीक है, इफ अ मैन इज नॉट अ बैचलर, इफ अ मैन, If a man is not a bachelor लिख दो, If a man is not a bachelor, then यहाँ पे आएगा he is not happy लिख दो यहाँ पे this way। If a man is not a bachelor, then he is not happy, ये हो गया आपका inverse। अब बचा है contra positive, तो हम यहाँ पे लिखेंगे contra positive, so right here contra positive। ठीक है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू इज, जस्ट इसको रिवर्स कर दो, तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू इज हम लिखेंगे निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी, निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी आएगा। तो निगेशन क्यू दैट मीन्स इफ नॉट निगेशन क्यू देन नॉट निगेशन पी। ठीक है, दैट मीन्स इफ नॉट क्यू देन नॉट पी, तो पहले इफ यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पे लिखा है देखो इफ ही इज नॉट हैप्पी आएगा, बट ही के प्लेस पे हम अ मैन लिख देते हैं, तो आई विल राइट हियर इफ अ मैन, इफ अ मैन यहाँ पे लिखेंगे इफ अ मैन इज नॉट हैप्पी, इफ अ मैन इज नॉट हैप्पी लिख दो, इफ अ मैन इज नॉट हैप्पी देन ही इज नॉट अ बैचलर, ही इज नॉट अ bachelor this way, if a man is not happy then he is not a bachelor। तो ये सेकेंड सब क्वेश्चन बहुत सिंपल था, हमने सॉल्व कर दिया इसे। नाउ सी, देखो थर्ड सब क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, थर्ड सब क्वेश्चन है इफ आई डू नॉट वर्क हार्ड देन आई डू नॉट प्रॉस्पर। तो यहाँ भी कंडीशनल स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है, हमें इसका कन्वर्स इन्वर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखना है। तो पहले हम दो सिंपल स्टेटमेंट लिखेंगे, तो मैं यहाँ पे देखो लिखता हूँ सॉल्यूशन इसका। ठीक है, तो राइट द सॉल्यूशन, पहले हम स्टेटमेंट पी लिखेंगे, तो राइट हियर स्टेटमेंट पी, स्टेटमेंट पी आएगा सिर्फ आप इफ को निकाल दो देन को निकाल दो, तो यहाँ पर आएगा आई डू नॉट वर्क हार्ड। ठीक है, निगेशन के साथ लिखते हैं हम लोग, कोई इशू नहीं है, तो आप लिखेंगे आई डू नॉट वर्क हार्ड। ठीक है,
पी हो गया। अब हम लिखेंगे स्टेटमेंट क्यू। तो स्टेटमेंट क्यू क्या है? आई डू नॉट प्रॉस्पर। मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ आई डू नॉट प्रॉस्पर, ठीक है, आई डू नॉट प्रॉस्पर। ये दो स्टेटमेंट हो गया। अब जो गिवन स्टेटमेंट है उसे हम सिम्बॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या दिया है? इफ़ पी देन क्यू है ये, बिकॉज क्वेश्चन में क्या लिखा है? इफ़ आई डू नॉट वर्क हार्ड देन आई डू नॉट प्रॉस्पर। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर सिम्बॉलिक फॉर्म, ठीक है, देयरफॉर सिम्बॉलिक फॉर्म इज, देयरफॉर सिम्बॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा? पी इम्प्लाइज क्यू। तो सिम्बॉलिक फॉर्म हो गया पी इम्प्लाइज क्यू। अब हम इसका कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कन्वर्स लिखूंगा, तो आई विल राइट हियर कन्वर्स ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू इज, कन्वर्स ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू, बताया आपको, हम इसे लिखते हैं क्यू इम्प्लाइज पी। तो पी इम्प्लाइज क्यू का कन्वर्स आएगा क्यू इम्प्लाइज पी। अब इसे आप वर्बल फॉर्म में लिख दो, यानी कि पहले इफ क्यू आएगा देन पी आएगा। तो इफ क्यू देन पी, तो आप क्या लिखोगे? If Q then P, तो आंसर आएगा If I do not prosper then I do not work hard। तो वर्बल फॉर्म आएगा यहाँ पे If I do not, हाँ, If I do not prosper, ठीक है, If I do not prosper then I do not, लिखेंगे work hard, ठीक है, If do not work hard। तो ये कन्वर्स हो गया। अब हम इनवर्स लिखेंगे। मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ इनवर्स ऑफ, सो विल राइट हियर इनवर्स ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू ए, सिंपल है, पी इम्प्लाइज क्यू का इनवर्स लिखना है। तो दोनों स्टेटमेंट के पहले जस्ट आपको निगेशन लगा देना है। तो क्या हो जाएगा ये? निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू। इसका मतलब हो गया इफ नॉट पी देन नॉट क्यू। तो देखो जो आपका स्टेटमेंट पी है उसमें ऑलरेडी नॉट है, तो यहाँ पर ऑलरेडी आपको नॉट दिया हुआ है। तो अगर हम नॉट को जब निगेशन अप्लाई करेंगे तो ये नॉट आपका रिमूव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? हम लिखेंगे इफ़ आई डू वर्क हार्ड आएगा, बिकॉज जो आपका स्टेटमेंट है पी उसमें पहले से नॉट दिया हुआ है और हमें अगेन वहाँ से निगेशन लेना है। तो नॉट पहले से दिया है, निगेशन लोगे तो ये नॉट रिमूव हो जाएगा आपका। तो क्या आएगा? इफ़ आई डू वर्क हार्ड देन, सेम वे स्टेटमेंट क्यू का भी होगा, देन आई डू प्रॉस्पर, देन आई डू प्रॉस्पर, ठीक है, देन आई डू प्रॉस्पर। तो ये हो गया इनवर्स ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू, कन्वर्स हो गया, इनवर्स हो गया। अब हम लिखेंगे कॉन्ट्रापॉजिटिव। तो मैं देखो यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्ट्रापॉजिटिव, कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू इज, जस्ट आपको इसका रिवर्स कर देना है। निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू है ना, तो ये हो जाएगा निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी। तो कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू इज निगेशन क्यू इम्प्लाइज आएगा निगेशन पी। अब इसे वर्बल फॉर्म में लिख दो, तो ये हो जाएगा इफ निगेशन क्यू है, निगेशन क्यू यानी कि इसमें तो पहले से ही नॉट है, अगेन आप निगेशन अप्लाई करोगे तो ये नॉट रिमूव हो जाएगा। तो ये आएगा इफ़ आई डू प्रॉस्पर, ठीक है, इफ़ आई डू प्रॉस्पर देन आई डू, आपका ये हो जाएगा वर्क हार्ड, देन आई डू वर्क हार्ड, ठीक है, दिस वे। तो ये हो गया कॉन्ट्रापॉजिटिव। सो क्वेश्चन नंबर 15 का थर्ड सब क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर दिया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 16, देखो क्वेश्चन नंबर 16 है स्टेट ड्यूल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। तो जो भी आपको स्टेटमेंट पैटर्न दिया है उसका हमें ड्यूल लिखना है। कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, ड्यूअलिटी का कॉन्सेप्ट आपको मालूम है। अगर कंजंक्शन रहेगा तो उसका ड्यूल होता है डिसजंक्शन, डिसजंक्शन रहेगा तो उसका ड्यूल होता है कंजंक्शन, और अगर टी रहेगा टॉटोलॉजी तो उसका ड्यूल होता है कॉन्ट्राडिक्शन, और अगर कॉन्ट्राडिक्शन रहेगा तो उसका ड्यूल होता है टॉटोलॉजी। दैट मीन्स अगर आपको एंड दिया है तो उसका ड्यूल हो जाएगा और दिया रहेगा तो उसका ड्यूल हो जाएगा एंड। टॉटोलॉजी का ड्यूल कॉन्ट्राडिक्शन, एंड कॉन्ट्राडिक्शन का ड्यूल हो जाएगा टॉटोलॉजी। इतना ही चेंजेस हमें करना होता है, और बाकी जो आपको स्टेटमेंट पैटर्न दिया है उसे एज इट इज़ हम लिखते हैं। तो देखो फर्स्ट सब क्वेश्चन आपको दिया है, ये स्टेटमेंट पैटर्न है, इसका हमें ड्यूल लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ड्यूल, हाँ आप लिखोगे ड्यूल ऑफ गिवन स्टेटमेंट, ठीक है, ड्यूल ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज,
ड्यूल ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, ये देखो पी कंजंक्शन है तो डिसजंक्शन हो जाएगा, डिसजंक्शन निगेशन एज इट इज रहता है, उसका कुछ चेंज नहीं होता है। फिर देखो यहाँ पे डिसजंक्शन है तो इसका ड्यूल हो जाएगा कंजंक्शन ब्रैकेट एज इट इज, निगेशन पी देखो ऐसे ही रहेगा। फिर यहाँ पे कंजंक्शन दिया है तो इसका ड्यूल क्या हो जाएगा डिसजंक्शन और ये क्यू एज इट इज रहेगा। यहाँ पर देखो इक्विवेलेंट का साइन है ऐसे ही रहने वाला है। फिर यहाँ पर देखो ये पी है, यहाँ पर डिसजंक्शन दिया है, इसका ड्यूल क्या हो जाएगा कंजंक्शन हो जाएगा और ये क्यू लिख दिया। देन यहाँ पे कंजंक्शन है तो उसका ड्यूल क्या होगा डिसजंक्शन और ये देखो आपका निगेशन ब्रैकेट में पी कंजंक्शन क्यू है ना, तो उसका ड्यूल डिसजंक्शन क्यू हो जाएगा। इसमें तो जो गिवन स्टेटमेंट पैटर्न था उसका हमने ड्यूल लिख दिया, बहुत ही सिंपल है, वन मार्क्स के लिए या तो फिर टू मार्क्स के लिए आता है बोर्ड एग्जाम में। नाउ सी सेकंड सब क्वेश्चन, देखो यहाँ पे क्या दिया है, सेकंड सब क्वेश्चन है पी डिसजंक्शन ब्रैकेट में क्यू डिसजंक्शन आर दिया है इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ ब्रैकेट में पी कंजंक्शन क्यू और ब्रैकेट में आर डिसजंक्शन एस है, तो इसका भी हमें ड्यूल लिखना है। मेथड सेम है तो हम यहाँ पे लिखेंगे ड्यूल, हाँ ड्यूल ऑफ गिवन स्टेटमेंट, ठीक है ड्यूल ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, ये देखो पी दिया है वैसे ही रहेगा, यहाँ पे डिसजंक्शन है तो उसका ड्यूल क्या हो जाएगा कंजंक्शन ब्रैकेट क्यू, डिसजंक्शन है तो कंजंक्शन हो जाएगा उसका ड्यूल और ये देखो आपका इक्विवेलेंट है। देन ये देखो निगेशन ब्रैकेट में यहाँ पे पी लिखा हुआ है तो ये एज इट इज़ रहेगा, कंजंक्शन है तो वो डिसजंक्शन हो जाएगा आपका। फिर यहाँ पे डिसजंक्शन है तो कंजंक्शन हो जाएगा, फिर यहाँ पे देखो आर लिखा हुआ है डिसजंक्शन है तो कंजंक्शन हो जाएगा और ये एस क्लोज कर दो ब्रैकेट, तो ये हो गया ड्यूल ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। नाउ थर्ड सब क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है आपको, थर्ड सब क्वेश्चन है टू इज इवन नंबर और नाइन इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इसका ड्यूल लिखना है, बहुत ही सिंपल है, जस्ट और को रिप्लेस करके वहाँ पर आप एंड कर दोगे या बट भी लिख सकते हो आप। मैं यहाँ पे लिखूँगा ड्यूल, ड्यूल ऑफ गिवन स्टेटमेंट, ठीक है ड्यूल ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज क्या आएगा टू इज इवन नंबर, ठीक है टू इज इवन नंबर एंड हो जाएगा, टू इज इवन नंबर एंड और की जगह पे एंड हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, टू इज इवन नंबर एंड नाइन इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है नाइन इज अ परफेक्ट स्क्वायर। दिस वे तो हमने क्वेश्चन नंबर 16 का ऑल थ्री सब क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 विथ ऑल सब क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 17 ऑनवर्ड कंटिन्यू करूंगा। सो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा इसे लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विद मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।